हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। हमको वो वेक्टर फाइंड करना है जो क्या ए और बी दोनों से क्या है परपेंडिकुलर है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक सी वेक्टर है जो क्या C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप के बराबर है, जो क्या ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है। दिया क्या है मैग्नीट्यूड किसका, सी का, कि जो आपका तीसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, मतलब मॉड ऑफ सी 3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो मॉड ऑफ सी किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 रख लेंगे। अब क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा और रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है, ये रूट हट गया तो हमारे पास अभी इतना इक्वेशन मिला हुआ है, इसको रख लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो कंडीशन उसने दिया हुआ है कि जो आपका ये तीसरा वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, वहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C1 C2 C3 का वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, तो बाकी जो कंडीशन दिया है उसको देखते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, जो आपका सी वेक्टर है वो क्या है ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब अगर हम सी डॉट ए करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमारे पास कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस 90 मतलब 0 आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको सी डॉट ए इक्वल टू 0 रखेंगे। तो सी वेक्टर कितना है हमारे पास, C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। ठीक है, और ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर हमारे पास है 3 i कैप प्लस j कैप माइनस 4 k कैप। ठीक है, इतना हो गया, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, आई का आई के साथ, जे के साथ, के का के साथ। ठीक है, एक सेकेंड। अब ठीक है, वो हल्का सा स्क्रीन भाग रहा था ना। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, आई को आई में मल्टीप्लाई करेंगे, थ्रू 3 into 1 मतलब क्या 3 मिलेगा, जे को जे में मल्टीप्लाई 3 और C1 मिलेगा। यहाँ पे आई का कंपोनेंट C1 है और जे का कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे C2 है, तो कितना मिल जाएगा 1 C2 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे के का कंपोनेंट -4, यहाँ पे C3, तो कितना मिल जाएगा -4 C3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन मान लो 1 है, उसको बना के रख लो। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इसको भी कोई इक्वेशन बना देना, इसको कोई स्टार इक्वेशन बना देना। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे बाद में। तो देखो फिर क्या करते हैं, हमको क्या दिया हुआ है कि जो दूसरा कंडीशन है कि जो आपका सी वेक्टर है वो क्या बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तो वहां से क्या मिलेगा, सी डॉट बी का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो सी डॉट बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। सी कितना है, C i कैप C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप के बराबर है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, बी के साथ, तो बी कितना है 6 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 2 k कैप के बराबर, इसको टू कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, C1 6, तो कितना मिलेगा 6 C1 और यहाँ पे 5 C2, तो 5 C2 -2 C3, तो -2 C3 इक्वल टू 0, उसको मान दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, तो हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, C1 C2 C3। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने बचपन में सीखा हुआ है उसी तरीकों को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इतना नोट कर लो। ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर का रफ कर देते हैं, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आया है, क्या क्या आया है उसको एक साइड लिख लिया जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, 3 C1 प्लus C2 -4 C3 इक्वल टू 0 आया है, और एक क्या आया, 6 C1 प्लस 5 C2 -2 C3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले क्या करना है, C1 निकालना है, तो C1 अपान, अब क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, यहाँ पे C2 का कंपोनेंट कितना है 1, मल्टीप्लाई करोगे C3 के कंपोनेंट में, तो 1 into -2 -2 मिल जाएगा माइनस। अब क्या करोगे, C2 का कंपोनेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके अंदर, C3 के कंपोनेंट के अंदर, तो 5 into -4 कितना हो गया, -20 हो गया, -20 हो गया। ठीक है, इक्वल टू C2। अब C2 के बारे में बात करें तो C2 वाला साइड छोड़ दो, अब C1 का कंपोनेंट जो भी है उसको मल्टीप्लाई करो C3 के कंपोनेंट में, तो 6 into 4 मतलब यहाँ पे माइनस साइन है, तो -24। ठीक है, फिर क्या माइनस, अब क्या करो, ये हो गया, अब यहाँ C1 का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो C3 के कंपोनेंट के अंदर, तो कितना हो गया, 3 into -2 कितना हो गया, -6 इक्वल टू C3 अपान। अब क्या करो, C3 वाला लाइन छोड़ दो, अब क्या करो, C1 का कंपोनेंट को C2 के कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिल जाएगा, 5 3 15 माइनस
यहाँ पे सी वन का कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो सी टू को, सी टू के कंपोनेंट में तो कितना मिल जाएगा, 6 1 6 तो 5 15 माइनस सिक्स, और ये कोई कांस्टेंट नंबर के बराबर होता है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है तीनों बराबर है, तो मान लेते हैं कोई कांस्टेंट नंबर के बराबर है, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से सी वन अपान, एक सेकेंड, यहाँ से कितना मिल जाएगा सी वन अपान माइनस टू है और माइनस माइनस प्लस 20 है, तो कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, ठीक है। इक्वल टू सी टू अपान माइनस 24 प्लस 6 माइनस 18 मिल जाएगा, इक्वल टू सी थ्री अपान 15 6 9 मिल गया, इक्वल टू के, ठीक है। तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 टू जै 18, 9 टू जै 18 और 9 वन जै 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास सी वन का वैल्यू कितना आया, इसको कंपेयर, इसको कंपेयर करो और के को कंपेयर करो, सी वन का वैल्यू 2k के बराबर आया, और सी टू को, सी टू का वैल्यू कितना आया, इसको कंपेयर करो, के को कंपेयर करो, माइनस 2k के बराबर, और सी थ्री का वैल्यू सिंपली के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये जो सी वन सी टू सी थ्री का वैल्यू है अपने इक्वेशन स्टार के अंदर रख दो, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, इक्वेशन स्टार इस तरह से दिया था कि हमने क्या किया था, उसका जो मैग्नीट्यूड 3 है उसको रखा था, फिर स्क्वायर किया था, तो हमको ये मिला था, ठीक है। तो क्या कर लो, इतना नोट कर लो, ठीक है। चलो तो इतना नोट कर देते हैं, रफ कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितना मिलेगा, 9 इज इक्वल टू सी वन का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर का मतलब 2k का स्क्वायर, प्लस सी टू का स्क्वायर का मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, प्लस सी थ्री का स्क्वायर का मतलब k का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा यहाँ से, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, तो 4k स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर, तो कितना मिल गया यहाँ पे, 4 4 8 9, मतलब क्या, 9 इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, तो 9 9 कैंसिल हो गया, k स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया, मतलब k का वैल्यू कितना मिल गया, प्लस माइनस 1 मिल गया, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, k का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, उसको कहाँ यूज कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, क्योंकि देखो k का वैल्यू एक बार प्लस 1 भी यूज करोगे आप, एक k का वैल्यू एक बार माइनस 1 भी यूज करोगे, दोनों सिचुएशन में आपको एक सी वेक्टर तो मिलने ही वाला है, ठीक है, जो क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ वही वाला निकालते हैं जिसके लिए उसका आई का कंपोनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब कि आई का कंपोनेंट पॉजिटिव है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा और दोनों भी सही है, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं, आप निगेटिव के लिए भी निकाल लेना, वो भी सही होगा, ठीक है। क्योंकि के का वैल्यू प्लस माइनस 1 आया है, तो यहाँ पर के का वैल्यू अगर प्लस 1 रखते हो, ठीक है, अगर के का वैल्यू प्लस 1 रखते हो तो कितना मिलेगा, सी वन का वैल्यू 2k बराबर, C2 का वैल्यू माइनस 2k बराबर, C3 का वैल्यू सिंपली 1k बराबर, ठीक है। और अगर k का वैल्यू माइनस 1 रखते हो तो कितना मिल जाएगा, C1 का वैल्यू माइनस 2, C2 का वैल्यू 2 मिल जाएगा और C3 का वैल्यू माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको करना क्या, C1, C2, C3 का वैल्यू बस यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो वह क्या मिलेगा, हम दोनों इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप और c3 का वैल्यू 1, तो प्लस k कैप मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, k का वैल्यू प्लस 1 लेंगे, और जब क्या करेंगे, k का वैल्यू माइनस 1 लेंगे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मिलेगा, ठीक है। दोनों वेक्टर, दोनों वेरिएंट क्या है, सही है, क्योंकि एक बार हमने क्या लिया, प्लस 1, एक बार माइनस लिया, दोनों क्या है, a और b के परपेंडिकुलर है, ठीक है।